हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं किचन के दो ऐसे प्रोडक्ट जो सर्दी में आपके काफी काम आने वाले हैं, आपको काफी टाइम बचाने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सर्दी हो या गर्मी, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें बहुत सारा पानी पीना होता है। और सर्दियों के मौसम में या तो हम गर्म पानी पीते हैं या फिर गुनगुना पानी पीते हैं, और जिसके लिए हमें गैस स्विच ऑन करनी होती है और पानी को गर्म करना होता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इन सभी चीजों से बचने के लिए कई बार हम ठंडा पानी पी लेते हैं और खुद को बीमार कर देते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप यूज कर सकते हैं फिलिप्स की ये केटल। मेरे पास फिलिप्स की केटल है, आप किसी भी कंपनी की केटल यूज कर सकते हैं। केटल को यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी को समझ नहीं आएगा। इसमें पानी विद इन सेकेंड्स गर्म हो जाता है, जिससे आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों ही बच जाते हैं। और पानी के अलावा आप इसमें दूध बॉईल कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं और इवन मैगी भी बना सकते हैं। और इसे यूज़ करते समय हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान देना होता है ताकि प्रोडक्ट की लाइफ थोड़ी लंबी चले। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, जिस स्विच के साथ आप इसे प्लग इन कर रहे हैं वो पावर स्विच होना चाहिए, अदरवाइज जो केटल है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो जल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो प्लग इन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो स्विच है वो पावर स्विच होना चाहिए। केटल्स दो तरह की होती हैं। मेरे पास जो केटल है इसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक बेस और दूसरा है केटल जिसके अंदर हम पानी डालते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक बेस है, इसे कभी भी पानी के साथ वॉश नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे पानी के साथ वॉश करती हैं तब भी जो प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है। और जो केटल का नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसे हम इसे बेस के साथ फिक्स करते हैं, इसे भी पानी के साथ वॉश ना करें। इसे साफ करने के लिए या तो आप सूखा कपड़ा ले लें या कपड़े को हल्का गीला कर लें, और जब तक ये सूख ना जाए इसे बेस के साथ फिक्स ना करें। कहने का मतलब ये है कि इसे भी आपको पानी से बचाना है। और केटल के ऊपर प्रॉपर मार्क बना होता है कि मैक्सिमम कितना पानी आपको इसमें डालना है, तो इससे ज़्यादा पानी आप इसमें ना डालें। और किसी किसी केटल के हैंडल के ऊपर एक बटन बना होता है, तो पावर स्विच को स्विच ऑन करने के बाद आपको वो वाला बटन दबाना होता है। बट ये जो फिलिप्स का केटल है, इसमें आपको नीचे एक फ्लैप मिलता है, तो जैसे ही आप पानी इसमें डालते हैं तो आपको ये फ्लैप प्रेस करना होता है नीचे की तरफ को, और जैसे ही पानी गर्म हो जाता है आपको ये फ्लैप ऊपर की तरफ को पुश करना होता है। और इसका जो कवर है वो इससे अलग नहीं होता है, इसी के साथ फिक्स्ड होता है। और अब मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ और देखते हैं कि कितने जल्दी इसमें पानी गर्म होता है। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें कितने जल्दी पानी गर्म हो जाता है, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, एफर्ट्स कम लगती हैं और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते हैं। और ख़ासकर सर्दियों के दिनों में ये प्रोडक्ट बहुत काम आता है, क्योंकि हमें बार बार पानी को गर्म करना होता है। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप भी ये प्रोडक्ट परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें भी आपको गैस स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने का कोई झंझट नहीं होता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग पोचर, जिसमें एग्स बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और फटते भी नहीं हैं। इसे आपको जस्ट एक बार स्विच ऑन करना होता है, जब एग्स तैयार हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं। तो ये है एग पोचर, जिसे मैंने अमेजोन से परचेज किया है। एग पोचर सस्ते भी मिल जाते हैं और महंगे भी मिल जाते हैं, तो आपको जिस भी प्राइस का लेना है आप परचेज कर सकती हैं। और ये जो एग पोचर है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एग पोचर के साथ आपको मिलती है एक कैप, एक मेजरिंग कप मिलता है, जिससे आप वाटर मेजर कर सकती हैं कि आपको कितना पानी इसमें डालना है। जनरली इसमें एक कप पानी डालना होता है। और एग ट्रे मिलती है, जिसमें 7 eggs के लिए स्पेस बना हुआ है, तो एक साथ आप इसमें 7 eggs को बॉयल कर सकती हैं। और ये है हीटिंग ट्रे, जिसके ऊपर पानी डालना होता है और इसके ऊपर एक बटन बना हुआ होता है, जिसे हमें स्विच ऑन करना होता है। जब ये स्विच ऑन होता है तो ये रेड हो जाता है, और जैसे ही एग बॉयल हो जाते हैं ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो अब मैं इसमें एग बॉईल कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इसमें 1 cup पानी डाल रही हूँ। हीटिंग प्लेट के ऊपर मैंने 1 cup पानी डाल दिया है। इसके ऊपर रख देंगे एग ट्रे। इसमें 7 eggs का स्पेस बना हुआ है, मैं इसमें 2 eggs रख रही हूँ, आप 7 भी एक साथ रख सकती हैं। और इन्हें कवर कर लेंगे और प्लग इन करके स्विच ऑन कर लेंगे। और ये देखिए, इस पर जो बटन बना हुआ है वो रेड हो चुका है, तो मतलब एग पोचर स्विच ऑन हो चुका है। अगर आपके एग पोचर का जो बटन है वो रेड नहीं होता है, तो आपको इसे प्रेस करना होगा, उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा। अब थोड़ी ही देर में पानी बॉयल हो जाता है और एग भी बॉयल होना शुरू हो जाते हैं।
10 से 12 मिनट के बाद इसकी लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, तो समझ जाइए कि एग बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप स्विच ऑफ करके इसे थोड़ी देर तक इसी तरह से रहने दें। थोड़ी देर के बाद इसे कवर हटा लें और एग्स को ठंडे पानी में डाल दें। गर्म एग्स को ठंडे पानी में डालने से इसका छिलका आसानी से निकल जाता है। और एक ट्रे को भी इससे निकाल कर अच्छे से वॉश कर लें और इसकी जो हीटिंग प्लेट है इसे पानी के साथ डायरेक्ट ना धोएं। इसे साफ करने के लिए आप एक गीला कपड़ा यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर जो स्विच है उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी चला जाता है तो ये खराब हो सकती है। तो अब एग से छिलके अलग कर देंगे और छिलके बहुत ही इजीली अलग हो रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें पानी में डाला था। तो ये देखिए एग्स कितने अच्छे से बॉयल होकर तैयार हो गए हैं। एग पोचर में एग्स को बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और एग्स फटते भी नहीं हैं और साथ ही साथ रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते हैं। सो आई सजेस्ट आप ये प्रोडक्ट परचेज करके जरूर यूज करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।